i welcome you in the course of leadership, emotional intelligence, and the CN making. this is module number 50, and we are going to talk about total leadership in the 21st century. the 21st century has come with its own challenges. the 21st century is there to tell us that we have to come up with new concepts of developmental perspectives, or any perspectives to explore karne ke liye we are here to discuss the challenges and the outcomes we are going to face in 21st century. Now there are certain social changes. Jin social changes ka samna, hume very start of the 21st century. Mein, wo karna pada. Those social changes were like the people started talking more about gender equality, the people started talking more about the corporate accountability, or corporate scandals the, they were evolved, or hame. पेराए में यह जानना मापना पड़ा कि एथिकल कंसर्न उनको हमें कॉर्पोरेट सोसाइटी के अंदर कैसे स्टैब्लिश करना है द रूल्स लाइक कॉर्पोरेट गवर्नेंस द फैक्टर्स लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटी दीज वर बिकमिंग द हॉट टॉपिक्स ऑफ टुडे। लाइकवाइज़ एथिकल एक्शंस वो क्या होने चाहिए किन किन एस्पेक्ट्स में कॉरपोरेशन को तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ एनवायरमेंट के साथ वो एथिकली ट्रीट करना है और डील करना है And likewise, jo further changes that we had they were the certain changes taking place in the public policies, in the governing rules, in the way the stakeholders are going to be interacting with the organizations. So there social changes the, which were actually evolving on a very fast pace from the very start of the 21st century. Now, we a demand for new workforce and needed because 21st चुरी के जो तकाजे और पैमाने थे देवर डिफरेंट सो उसमें हमें ऐसी वर्क फोर्स चाहिए थी विच आर हैविंग पॉजिटिव एटीट्यूड एंड दे आर फन लवर्स हमें ऐसी वर्क फोर्स रिक्वायर्ड थी विच आर गोइंग टू हैव सेल्फ डिवेलपमेंटल प्रस्पेक्टिव और सेल्फ डिवेलपमेंट शुड बी ऑर्गेनाइजेशनल डिवेलपमेंट इस चीज को हमने पॉइंट ऑफ द डे वो बना लिया और इन दोनों चीजों को आपस में कोरिलेट करके हमने लोगों का फोकस ऑन सेल्फ डेवलपमेंट वो बढ़ाना शुरू कर दिया बिकॉज दीज वर एक्चुअली को और इस तमाम काम के करने से वी वर एबल टू ब्रिंग इन नॉलेज वर्कर्स रादर देन जस्ट स्किल्ड वर्कर्स और उस नॉलेज वर्कर के होने से नॉलेज इकोनॉमी नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन नॉलेज मैनेजमेंट ये जो तमाम एस्पेक्ट्स थे दे वर एबल वी वर एबल टू एक्चुअली डेवलप दीज थिंग्स हमने इसकी रैशनैलिटी डेवलप की इसी तरह चेंजेस इन ऑर्गेनाइजेशन एंड मार्केट्स वो हमें विजुअलाइज हुई और उन मार्केट्स की तब्दीली में हमें डिमांड बहुत तेजी से बढ़ती हुई मिली लोगों की नीड्स एंड वांट्स तब्दील होती हुई नजर आई हमें ये इस बात का पता चला कि जो कस्टमर है उसकी प्रायोरिटीज बदल रही हैं प्रोडक्ट एंड सर्विसेज अब माजी की तरह नहीं चल सकती हमें ज्यादा अपग्रेडेड अपडेटेड मॉडर्नाइज चीजों के साथ वो आना पड़ेगा हमें न्यू कॉन्सेप्ट के साथ मार्केट में डिमांड को फुलफिल करना होगा हमें प्रोडक्टिविटी इश्यूज का सामना करना पड़ा और इसी के साथ साथ जब बहुत ज्यादा तो तो अब लोगों की एंग्जाइटी फ्रस्ट्रेशन को डील कैसे करना है उनकी हेल्थ को कैसे मेंटेन रखना है वेल well बींग की तरफ हमने कैसे जाना है एट द सेम टाइम हमारे लिए चैलेंज यह था ट्वेंटी सेंचुरी में कि हमने प्रोडक्टिविटी भी बढ़ानी है और हमने इंक्रीजिंग डिमांड को भी सेटिस्फाई वो करना है लाइकवाइज ऑर्गेनाइजेशंस के लिए एक और बहुत बड़ा चैलेंज बना कि वाज अ वॉर फॉर टैलेंट सो पाउचिंग होनी शुरू हो गई टैलेंट एक्वायर करना बिकेम अ अस्ट्रेटेजिक इशू और फिर उस टैलेंट को रिटेन करना बिकेम द सेकेंड इशू सो टैलेंट डेवलपमेंटल जो कंसर्न थे टैलेंट डेवलपमेंट के जो प्रोग्राम्स थे देवर बींग फोकस्ड अपॉन लाइकवाइज ग्लोबलाइजेशन डाइवर्सिटी मैनेजमेंट और इस तरह के बहुत से कंसर्नस हमारे सामने बहुत तेजी से इवॉल्व हुए इन द वेरी स्टार्ट ऑफ द ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी देयर फोर हमें एक डिफरेंट प्रस्पेक्टिव में चीजों को अब सोचना है अब जो ट्रेडिशनल स्टाइल ऑफ डिस्कसिंग द लीडरशिप वो बदलना होगा अब हमें टोटल लीडरशिप के कंसर्न में जाना है जिसमें के प्रायोरिटीज जिसमें के फोकस जिसमें के कंसर्न अबाउट द स्टेक होल्डर्स वो ज्यादा क्लियर हमें अवेलेबल होते हैं इसी के साथ साथ ट्वेंटी सेंचुरी के आने से देर वॉज अ ट्रीमेंडस टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट उस टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट में डिजिटल रेवोल्यूशन जिसको हम फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का नाम भी देते हैं जिसमें कि साइबर फिजिकल सिस्टम्स बिकेम द नॉर्म ऑफ द डे और उन साइबर फिजिकल सिस्टम्स को जो ऑर्गेनाइजेशंस एडॉप्ट नहीं करेंगी पैसेज ऑफ टाइम दे वुड बी लैकिंग बिहाइंड सो इस टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट में हमें बदलते हुए तकाजों के मुताबिक अपने आप को अपडेट और अपग्रेड करना है लाइकवाइज इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज इसकी बहुत ज्यादा जो जरूरत थी वो ऑर्गेनाइजेशन को फील हुई बिकॉज इन टेक्नोलॉजीज के बगैर आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा कि आप नॉलेज मैनेजमेंट को इनकॉर्पोरेट कर सको आप एक कनेक्टिविटी स्टेब्लिश कर सको बिटवीन द सप्लायर साइड एंड द बायर साइड और इवन ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी डिफिकल्ट हो गया कि अगर वो इन टेक्नोलॉजीज को इनकॉर्पोरेट नहीं करती हैं तो वो बदलती हुई इन्वायरमेंट के तमाम एस्पेक्ट्स को अंडरस्टैंड वो नहीं कर पाएंगी लेकिन इस टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट के साथ साथ देर वॉज एनदर थिंग विच वॉज नॉट एक्चुअली वॉन्टेड विच वॉज नॉट एक्चुअली डिजायर्ड एंड दैट वॉज ट्वेंटी फोर सेवन थ्री सिक्सटी फाइव कोनेक्टिविटी अब ये ट्वेंटी फोर सेवन थ्री सिक्सटी फाइव कोनेक्टिविटी अपरेंटली लुक्स कि इट्स अ वेरी गुड फिनोमिना बिकॉज कनेक्टेड बट इन फैक्ट इट का एट टू फोर का नहीं रहा नाउ यू आर ट्वेंटी फोर सेवन थ्री सिक्सटी फाइव कनेक्टेड एंड वेन यू आर ट्वेंटी फोर सेवन थ्री सिक्सटी फाइव कनेक्टेड तो आपसे जरूरत भी समर की होगी कि आप काम भी इसी अमाउंट के ऊपर इसी वक्त के साथ वो कर पाओगे सो so, अब अगर आप अपने इर्द गिर्द देखो द नंबर ऑफ गैजेट्स वी हैव द नंबर ऑफ सिस्टम्स वी हैव द नंबर ऑफ नेटवर्क्स वी हैव तो इन तमाम चीजों के होने से अगर एक तरफ पॉजिटिविटी है एफिशिएंसी बढ़ रही है तो दूसरी तरफ ह्यूमन एंजाइटी ह्यूमन फ्रस्ट्रेशन ह्यूमन बर्नआउट ये भी क्रिएट हो रहे हैं देयर वक्त ने अपने तकाजे और पैमाने बदल लिए हमारे लिए टर्निंग ऑफ द सीजन एंड राइजिंग ऑफ द सन का मफहम वह तब्दील हो गया हम कुछ ऐसी चीजों में उलझ कर रह गए जो चीजें दरअसल हमारे लिए प्रायोरिटी नहीं थी नतीजतन ऑर्गेनाइजेशन कॉरपोरेशन फर्स्ट दे मेकअप थिंग्स एंड देन दे टॉक अबाउट रिजर्विंग द और कंजर्विंग द रिसोर्स इफ आई कंक्लूड द होल डिस्कशन माई डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जिंदगी में अपनी प्रायोरिटीज को तय कर लेना बहुत जरूरी है और इस बात को जानना बहुत जरूरी है कि दरअसल वो रियल फैक्टर्स क्या है जिन पर हमारा फोकस वो होना चाहिए थैंक यू